अपने तंदी खबर नहीं सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पौन। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कैसा गुजर रहा साल? मैं क्यों बताऊं? बताओ तो सही। बहुत बुरा। क्या हुआ? उदास हूं। कोई ख्वाहिशात है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूँ महमूद न्यूज़ ऑन के साथ, और इस वक्त हम लिंक रोड अमाना मॉल पहुँच चुके हैं। और अमाना मॉल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है, जगह जगह जो है इसकी डेकोरेशन की हुई है, और पूरे मॉल को जो है वो बलून से, रिबन से और डिफरेंट किस्म की डेकोरेशन से जो है वो सजाया हुआ है न्यू ईयर के हवाले से। जी बिल्कुल, 2021 शुरू हो चुका है, आज 1 जनवरी 2021 है, और लोग जो है वो नए साल के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और ये जो मेरा ईगल है ये भी बहुत ज़्यादा खुश है। हाँ भाई, खुश हो ना नए साल के हवाले से? हाँ बहुत। कोरोना खत्म हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। नया साल किस तरह मनाओगे? आजादी के साथ। इसके अलावा लोगों से हम बातचीत भी करेंगे नए साल के हवाले से कि उनका आने वाला साल जो है वो किस तरह गुजरेगा और क्या उम्मीदें हैं उन्हें इस साल से, और पिछला साल जो है वो उनका किस तरह का गुजरा और क्या क्या दुश्वारी और मुश्किलात को उन्हें सामना करना पड़ा। तो अभी हम चलते अपनी ऑडियंस के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिना आगा। अच्छा हिना, आप पहला दिन है साल का और मॉल में आई हो, तो एंजॉय कर रही हो? जी जी बहुत, फ्रेंड्स के साथ हूँ मैं। 2020 जो है वो कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा था। अच्छा था। बिल्कुल अच्छा नहीं था, सबके लिए बहुत ही बुरा था, बिकॉज हमारे पेपर कैंसिल हो गए, इसलिए बहुत अच्छा था, उस लिहाज से हम प्रमोट हो गए इसलिए। अच्छा, पेपर कैंसिल हो गए इस वजह से? अच्छा। हाँ जी, वो जो कोरोना था और इतने लोग जो थे, थोड़ा प्रॉब्लम था उसकी वजह से, हम भी थोड़े परेशान थे, लॉकडाउन था। प्रॉब्लम था, थोड़ा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सब कुछ बहुत ही बुरा हो गया, इतनी डेथ होगी तो इस वजह से बहुत ही बुरा था। तो अब ये चाहते हैं कि अब जो 2021 है वो अच्छा ही हो सबके लिए, हर तरह से कि खुशियाँ आएँ, अब ये ना हो कि फिर से उदासी छा जाए, ऐसा कुछ ना हो। जी बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा मुझे एक और बात बताइएगा कि 2020 में कोई ऐसी गलती आपने की हो, किसी का दिल तोड़ा हो या कोई ऐसा गुनाह किया हो जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी मैंने अपनी फ्रेंड का दिल तोड़ा था, बिकॉज अब मैं इससे नाराज़गी हो गई थी और अब हम मिले हैं। अच्छा, तो आप इसका मतलब पिछले साल नाराज थे और आज नए साल में आप मिले? हाँ जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये वाला साल आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला? हाँ जी बिल्कुल। तो अब आपके क्या प्लान है 2021 में, क्या करेंगे, क्या प्लानिंग की? सबका ख्याल रखेंगे, सबसे मोहब्बत करेंगे, बिकॉज जो हमारे पीछे गुजर चुके हैं हमारे अजीज़ों वकारे पिछले साल में, हमें उनकी अहमियत का इस साल पता चल रहा है, तो अब हम जो हमारे पास हैं उनकी कदर करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि 2020 में कोई ऐसी गलती की हो या कोई ऐसा कारनामा किया हो जो बहुत ज़्यादा तुम डर गई हो और अब चाहती हो कि 2021 में भाई मैंने ये नहीं करना, वो क्या था? वो यही था कि बहुत बुरे काम किए, बहुत मतलब कि मम्मा से डांट भी बहुत खाई थी, लड़ाई बहुत करती थी, अब मैं ये चाहती कि मैं अपने आप को सुधारूँ जितना हो सके। 2020 जो है वो शैतानियों में गुजरा? बहुत ज़्यादा। गुनाहों में गुजरा? बहुत ज़्यादा। तो अब 2021 में चाह रही हो गए इस्लाम की तरफ आओ, मज़हब की तरफ आओ, माँ बाप की फरमाबरदारी? जी बिल्कुल। सबक मिल गया अब तुम्हें कि तुम जो कर रही थी वो गलत था? जी बिल्कुल। अब उसे सुधारोगी कैसे? यही कि मतलब कि अब सारी मतलब कि स्टडी पे फोकस करना है, बाकी माँ बाप की बातों पे अमल करना, ये नहीं कि वो गलत कह रहे हैं, वो हमारे लिए सही सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इरम। अच्छा इरम, मुझे ये बताओ 2021 का पहला दिन है, कैसा गुजर रहा है, क्या कर रहे हो और आने वाले साल में क्या मतलब क्या प्लानिंग की हुई? फ़िलहाल तो कोई प्लानिंग नहीं की, क्योंकि हालात मुल्क के और पूरी दुनिया के ऐसे हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि उसका इतना वो डरे हुए हैं लोग उस चीज़ से, अफ्रेड हैं उस सारे पिछला साल जैसा भी गुजरा, तो इतना अच्छा तो नहीं गुजरा, लेकिन होप्स हैं कि इंशाल्लाह पिछले साल से बेहतर ज़रूर गुजरेगा। आमीन। अच्छा मुझे ये बताया 2020 में कोई ऐसी गलती की हो, कोई पछतावा हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो वो क्या था? दुखाया तो बहुत लोगों का होगा लेकिन माफ़ियाँ भी मांग ली थी, क्योंकि कुछ एक टाइम तो ऐसा आया था जब सबको लग रहा था कि अब तो बस दुनिया ख़त्म, तो हाँ माफ़ियाँ भी मांगी थी, लेकिन ऐसे इतना बुरा दिल नहीं दुखाया, क्योंकि ऑब्वियसली घर में बैठे थे, घर में बैठे किसका दिल दुखाना होगा, तो हाँ इतना दिल नहीं दुखाया किसी का कि पछतावा हो मुझे। अच्छा अब आप हमारे चैनल के थ्रू किसी को मैसेज देना चाहिए, किसी फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड्स को, तो वो आप शेयर कर सकते? मैं बस कहना चाहूँगी हैप्पी न्यू ईयर, और प्लीज़ 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 बी काइंड विद एनिमल्स, इस वेदर में एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा काइंड रहें आप, अगर वहाँ पे घर भी आ रहे हैं तो एटलीस्ट उनको घर में रखें, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और सर्दी भी होती है, और दूसरी बात ये कि
रिस्पेक्ट वुमेंस, जहाँ पे भी हों प्लीज़ रिस्पेक्ट वुमेंस, जैसी मर्जी ड्रेसिंग की हो बस उनकी रिस्पेक्ट करें, जो भी है जिस भी वुमेन को देखें कि उनके साथ हरेसमेंट हो रही है उनकी भी, उनको मतलब सेफ जोन में लेके आएँ आप, बस रिस्पेक्ट करें, बच्चा है बड़ा है, बच्चों को भी सिखाएं, बड़ों को भी बताएं कि नहीं वुमेन जो है हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है और उनकी एक अलग रिस्पेक्ट है जो हमें उनको देनी है एज अ पर्सन। हाँ जी जी, मॉल में जो है वो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आए हुए हैं, लोग जो है भरपूर तरीके से साल का पहला दिन इंजॉय कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और मेरे पास इस वक्त प्यारे प्यारे से दो बच्चे भी मौजूद हैं, वो हमको हम सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? यानूर। हादिया नूर, क्या सुनाओगी? हम्त। सुनाओ फिर, ऊंची सुनानी है। तू ही मालिक, तू ही रब है, माशाल्लाह बहुत अच्छी इसने हम सुनाई है। अच्छा जी, आप क्या सुनाओगी? स्पीच। स्पीच सुनाओगी, सुनाओ फिर। एक शख्स बनकर ना जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि एक शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। अदा करता ये अल्फाज मोहतरम सामीन एक ऐसे बाकरदार, बाहिम्मत और अजीम लीडर के हैं जिनकी आज 145वीं सालगिरह है। जी हाँ, ये अल्फाज मोहम्मद अली जिन्ना के थे जो हमारे अजीम कायद थे। उनकी मुखलिसाना अंधी कोशिशों से आज हम एक आज़ाद रियासत में खुद की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, इसका एहसास कश्मीर के शहरी को होता होगा जो बदकिस्मती से 73 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद जिनको आज़ादी का सांस नसीब ना हुआ। बदकिस्मती से हमारे वो मुस्लिम बहन भाई जो 14 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान में ही रह गए, और उनकी औलादें जिन्होंने हिंदुस्तान में ही जन्म लिया, जिन पर ढाए जाने वाले जुल्म मीडिया पर देख कर खून के आंसू होते हैं। खुदारा खुद सोचिए जिनके साथ ये बीत रही है उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, जब लोग उन्हें हकारत की नज़र से देखते होंगे, जिनकी बहू बेटियों की इज्जत हिंदुस्तान में महफूज नहीं। तलवार का काम हफाजत करना है लेकिन ज़रूरी हमारे हसूल तलीम है, इलम तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा मुझे बताओ, इतनी लंबी स्पीच आपने तैयार किस लिए की है? 25 दिसंबर के लिए। स्कूल गई थी? नहीं। ये देखे जी, बच्चों ने इतनी प्यारी प्यारी और इतनी जज्बाती स्पीच तैयार की हुई है लेकिन इन्हें स्कूल में असेंबली में जो है वो बात करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, तो अब ये अपना टैलेंट जो है और अपने जज्बात जो है इस तरह मॉल्स में आगे और जगह जगह जो है ये शेयर कर रहे हैं, तो स्कूल खुल जाने चाहिए? हाँ खुल जाने चाहिए। फिर क्या करोगे स्कूल? पढ़ेंगे। जल्दी से कैमरे में कह दो जी हमारे स्कूल खोल दे, हमने पढ़ना है और बस करें अब। हमारे स्कूल खोल दे, हमने पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्सा है। अक्सा मुझे बताओ, 2021 का पहला दिन है, 1 जनवरी 2021, क्या एक्साइटमेंट हो रही है, क्या नई चीज़ें देखी, क्या नए प्लान बनाए हैं? फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम खुदा ने हमें ये दिन दिया कि हम लोग इसको देख रहे हैं, और खुदा करे कि आगे पूरा साल हमारा बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि जैसा 2020 गुजरा है वैसा ना हो, क्योंकि काफ़ी हम लोगों ने वर्स्ट टाइम देखा है वो। अच्छा जी, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे माना मॉल के जा रहे हैं और जैसे कि मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि मॉल को जो है वो वाइट और रेड बलून से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है, और लोग आगे यहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि नया साल है, एक तो नए साल की एक्साइटमेंट है, दूसरा इन्होंने एटमोसफियर इतना अच्छा माना मॉल वालों ने दिया हुआ है, यहाँ की मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि लोग जो है यहाँ जगह जगह रुक के तस्वीरें खिंचा रहे हैं और न्यू ईयर को इन्जॉय कर रहे हैं। अभी हम अपनी ऑडियंस की तरफ चलते हैं और उनसे और मज़ीद बातचीत करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली शेर। अली, यहाँ साल का पहला दिन मनाने आए हो, क्या एक्साइटमेंट है, क्या मज़ा आ रहा है? जी कोई एक्साइटमेंट नहीं है बिल्कुल भी, मैं फंसा हुआ हूँ कज़नों के साथ, ज़बरदस्ती मुझे लेके आए हैं और अभी मैंने घर जाके सो जाना है।
अच्छा, अपनी मर्जी से नहीं आए, कजन खींच के ले आए? कजन खींच के ले आए, उठा के मुझे, मैंने तो सोना था सारा दिन, एक छुट्टी का दिन मुझे मिला साल बाद, उस पर भी इन्होंने सोने नहीं दिया। नहीं तो वो ऐसा नहीं होता, वो कहावत बनी हुई है कि साल के पहले दिन जो करोगे सारा साल वही करते रहोगे, तो अगर आज सो जाओगे तो सारा साल सोते ही रहोगे? नहीं, सारा साल सोना नहीं है, कहावतें सब झूठी हैं, अल्लाह पाक कैर करेगा, साल अभी पड़ा हुआ है, वो देखा जाएगा साथ साथ इसके। अच्छा मुझे ये बताओ कि सुनने में आता है कि बॉयज़ जो है वो 31 की रात को, 31 दिसंबर की रात को बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, तो क्या तुमने भी किया पार्टी रात? मैंने कोई पार्टी नहीं की, मैं बिल्कुल सुकून से सोया हुआ था, अभी उठ के आया हूँ और अभी भी जाके सो जाना। अच्छा मुझे ये बताओ कि 2020 में कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा है, सच बता रहे हैं? दिल तो कोई नहीं तोड़ा किसी का, फ्यूचर का पता नहीं है। किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा? नहीं। क्लियर रहा 2020? क्लियर बिल्कुल। शरीफों वाला? शरीफों वाला, कोरोना की वजह से ज़्यादा हुआ है बस, नहीं तो। नहीं तो क्या कर लेते? नहीं तो कुछ ना कुछ हो ही जाना था फिर। सही। अच्छा 2021 से क्या उम्मीद है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या चाहते हो, कुछ ख्वाहिश? 21 से ये उम्मीद है कि सुबह मैं वापस USA जा रहा हूँ और उसके बाद बस वहाँ पर लाइफ है मेरी जैसे चल रही थी काम वाली वैसे ही चलेगी। अच्छा मुझे ये बताओ USA के कोरोना के हवाले से क्या हालात है, क्या सिचुएशन है वहाँ की? 3 महीने लॉकडाउन में मैं अपने घर रहा हूँ, अपने कमरे के अंदर, फूड अपने कमरे में आता रहा, बाहर बिल्कुल नहीं गया, कमरे से भी बाहर कदम नहीं रखा, 3 महीने कैद खाना जेल की तरह घर के अंदर। अच्छा यहाँ मुझे एक और बात बताओ कि USA वाले कोरोना से इतना डरते हैं, एहतियात कर रहे हैं और अपना सारा क्वारंटाइन वगैरह मुकम्मल करते हैं, तो पाकिस्तान वाले कहते कोरोना है ही नहीं, कोरोना किया है, तो क्या डिफरेंस देखते हो दोनों मुल्कों में, क्या आवाम जो है वो मुख्तलिफ है? पाकिस्तान की आवाम इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही, ये चीज़ वाकई है, एक हकीकत है, मैं इसे गुजरा हुआ हूँ, इसीलिए मुझे इस चीज़ का एहसास है, और मैं हर बंदे से ये अपील करता हूँ कि जितना हो सके उतना अपना केयर करें और इस चीज़ से बचें। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जैन। अच्छा मुझे ये बताओ तुमने अली हैदराबादी की तरह बड़ा फैशन किया हुआ है, तो क्या उससे इंस्पायर हो, उसकी टिकटॉक देखते हो, क्यों ऐसा फैशन किया? उसके फ़ैन हूँ मैं अली हैदराबादी का, उससे मिलना था, मिला ही नहीं वो। अच्छा अली हैदराबादी को क्या कहना चाहते हो? मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके लिए मैं जब आप लोग रहे थे मैं आपके लिए आया था मिलने, आप मिले ही नहीं, उन्होंने मिलने ही नहीं दिया, रश बहुत था तो आप मिले नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ तुम अली हैदराबादी के चक्करों में तुमने सॉक्स भी नहीं पहनी हुई और पहुँचे ऊपर किए हुए, तो सर्दी इतनी शदीद चल रही है, तो अगर बुखार वगैरह हो गया, बीमार हो गए, तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं, फिर लेट जाएंगे कम्बल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मनाहिल। मनाहिल मुझे ये बताओ कि 2021 का पहला दिन है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या प्लान है पूरे साल के हवाले से? एक जो रेजोल्यूशन थी वो जो मैंने अपनी सेट कर ली, जो कल करनी थी, आज का बस यही प्लान है कि बस यहाँ पे घूमना है, उसके बाद शाम को डिनर और फिर बाद में सो जाना है। अच्छा मुझे ये बताओ 2020 में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो, जो शेयर करना चाहो? नहीं, दिल तो किसी का भी नहीं दुखाया, लेकिन हाँ मजाक किया था जो कि फ्रेंड को बुरा लग गया, तो उसके लिए बस सॉरी। आपने उसे डायरेक्ट सॉरी बोला या भी हमारे चैनल के थ्रू सॉरी बोला? आपके चैनल के थ्रू। चलो फिर नाम लेकर सॉरी बोल दो, क्या पता वो देख ले तो। हेलो इस्तांबुल, सॉरी मेरी तरफ से, मैंने तुम्हें इग्नोर किया। सो मैंने ना तुम्हारी आवाज़ सुनी, मुझे लग रहा है तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो कुछ गाना सुनाओगी हमें, 2-3 लाइनें नए साल के लिए, नए साल की खुशी में? अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पौन, वे बुले आसाया मैं घुट घुट रोया, वे बुले आसाया मैं घुट घुट रोया, जीवें आटे विच लून, जीवें आटे विच लून, अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा मुझे बताया, बड़े प्यारे प्यारे अंदाज से आप दोनों बैठे हुए, तो आपका रिश्ता क्या है? हस्बैंड वाइफ। पक्की बात है? 100%। ये ना हो कि हमारी वजह से कोई मसला बन जाए? नहीं, कोई मसला नहीं बनता, हस्बैंड वाइफ है। हाँ जी, ये हस्बैंड वाइफ है। अच्छा मुझे ये बताएं, नया साल शुरू हुआ है, जारी बात है आप सेलिब्रेट करने आए हैं, तो क्या प्लान है नए साल के दोनों के? प्लान तो कुछ खास ही है। क्या है हमें भी बताओ, पर्सनल प्लान कोई बता सकता है? चलो ये बता दो कि 2020 में, मुझे पहले
आप बताएंगे 2020 में इन्होंने कोई ऐसी गलती की हो जिसकी आपने इन्हें बहुत बुरी सजा दी हो, या घर से बाहर रखा हो, या कोई इस तरह का लड़ाई झगड़ा? नहीं, कोई भी नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं। कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं। कैसा गुजरा 2020? बहुत अच्छा। नहीं, हमारी शादी हुई थी। शादी ही 2020 में हुई है? 2020 में शादी हुई है। क्या गलती हुई है? 2020 में शादी हो गई। हाँ जी, इनका कहना है कि 2020 में इनकी शादी हुई है, तो ये इनसे सबसे बड़ी गलती हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताया, नया साल है, अकेले ही मना रहे हैं कि कब जाएगा? 2020 में भी जो है, 2020 में भी अकेले ही था। बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। अब देखें, एक कप कॉफ़ी है मेरा गुजारा हो रहा है, नहीं तो जहाँ आपकी जगह पर कोई बैठा होता तो दो कप कॉफ़ी देने पड़े। अच्छा, इसका मतलब कि बचत हो जाती है तो अच्छा है, खुशहाली है? हाँ, हर तरह की बचत हो जाती है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। तो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ, अकेले रहें, सुकून से रहें। अब 2021 में भी कोई उम्मीद नहीं है शादी वगैरह की, कोई दोस्त? किसने बताया कि मैं अनमैरिड हूँ? अच्छा, अभी मैरिड हो? नहीं, पहले तो आप मुझे बताएं ना, आपको कैसे पता चला कि मैं अनमैरिड हूँ? वो आपके ख्यालात से लग रहा था, जिस तरह आप अकेला अकेला रहना पसंद कर रहे थे, तो मैंने कहा शायद। इस तरह की मैंने बात की है ना, आपको तो ये सोचना चाहिए था कि शादीशुदा बंदा ही ऐसी बातें कर सकता है। जिसका एक्सपीरियंस हो कि यार ये क्या मुसीबत मैंने अपने गले डाली, इससे तो बेहतर था अकेले ज़िंदगी गुजार लेता। अच्छा, तो इसका मतलब शादी हुई भी आप? नहीं, शादी नहीं हुई। यार क्या कन्फ्यूज कर रहे हो, कभी कहते शादी हुई है, कभी कहते नहीं, असल बात क्या है? इंसान ना दुनिया में बहुत कम उम्र लेके आया है, अब हर तजर्बा इंसान खुद नहीं करता, दूसरों के तजर्बा से भी फ़ायदा उठाना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अच्छा, मुझे बताओ कि 2020 में किस लड़की का दिल दुखाया है, कितनियों का दुखाया है, बल्कि ये बताओ। पाँच लड़कियों का। पाँच लड़कियों का? पूरी पाँच लड़कियों का? सिर्फ दिसंबर में पांच लड़कियों का दिल दुखाया। सिर्फ दिसंबर में पांच लड़कियों का दिल दुखाया, तो अब उनसे माफ़ी मांगना चाह रहे हो? नया साल आ गया, चलो पिछले काम करदूते जो है वो हमारे मेरी माफ़ कर दे, नया साल आया, नए काम करते हैं। नहीं, माफ़ी क्यों मांगनी है? किसी का दिल दुखाते हैं तो बंदा माफ़ी तो मांगता है ना उससे। नहीं, दिल दुखाने वाला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ रिजेक्ट ही किया, प्रपोजल रिजेक्ट किया। प्रपोजल रिजेक्ट किया, तो ब्रेकअप्स कितने हुए तुम्हारे? लाइक भी नहीं। अब सही चल रहा है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। 2021 में भी वही रहेगी या बदल लोगे? ये वक्त पे मुनासिब करता है कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह की वो होती है, चलने वाली भी कि नहीं चलने वाली, उस मुताबिक। जो 2020 से चलती आ रही हैं सहेलियाँ, वो 2021 में बदलनी है या वही रखनी है? अल्लाह तरक्कियाँ ता फरमाए। तरक्कियाँ तो तुम्हें मिलेंगी, इसका मतलब बदल हो गए हैं। हाँ, सारी सी बात है। नहीं तो वो तुम आते जब सब कुछ चलता। जिंदगी तरक्की का नाम है, तरक्की का, जैसे जैसे तरक्की की मंजिल तय करेगा वैसे वैसे जिंदगी में और लोग ऐड होते जाएंगे, पुराने लोग जो आउटडेटेड होते जाएंगे वो दूर होते जाएंगे लाइफ से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नया दिन है, नया साल है 2021 का, कौन सा गाना सुनाओगे, किस तरह जो है वो खुशी हमारे साथ शेयर करोगे नए साल की? तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। जी नाज़रीन हज़रात, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये थी 2021 की पहली शाम, और हमने लोगों से बहुत ज़्यादा मज़ेदार बातचीत की, उनके ख्यालात पूछे पिछले साल के हवाले से और आने वाले साल के हवाले से, उन्हें किस कदर उम्मीदें हैं ये भी हमने जानी, और लोग जो है वो आने वाले साल के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद है, और उनका कहना ये है कि वो ख्वाहिश रखते हैं कि आने वाला साल जो है उनके लिए बरकतों और रहमतों वाला साबित हो, और
हमारी भी यही दुआ है कि आने वाला साल जो है वो तमाम मुल्क के लिए जो है वो रहमत वाला साबित हो। और जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी क्या ख्वाहिश है, तो मेरी इस साल की ख्वाहिश ये है कि मुझे जो है वो इस साल में कम से कम जो है वो 5 मिलियन सब्सक्राइबर मिले मेरे चैनल को, और मैं जो हूँ वो इसी तरह की मज़ेदार वीडियो जो है वो आपके सामने लाती रहूँ। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।